ये जो कैंसर एक्सीडेंट है ना, एक अजीब सा एक्सीडेंट है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया जिसने आज तक शराब, गुटखा, तंबाकू जैसी चीज को नजर भी नहीं डाली थी, फिर भी उसे कैंसर हुआ और उसके इलाज में उसका पूरा घरवार बिक गया, फिर भी वो बंदा नहीं बचा। और वहाँ पे उस डेड बॉडी की रिसर्च करने के बाद एक ऐसा बात सामने आया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसके कैंसर होने का एक ऐसा रीजन सामने आया जो हम लोग आम जीवन में हमेशा करते आते हैं और ऐसा आप भी करते होंगे, और हो सकता है आपके शरीर में कैंसर हो सकता है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, एक व्यक्ति था जिसका उम्र था 36 वर्ष। वो अपने परिवार में बहुत ही अच्छे से रहता था, सिंपल सा वो ऑफिस जाता था और ऑफिस के काम करके वापस घर आता था। उसके अलावा वो किसी भी तरीके से धूम्रपान का सेवन नहीं करता था, यानी कि वो सिगरेट को नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, ये सब काम वो नहीं करता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पेट में अचानक से 2-3 बार दर्द हुआ, तो डॉक्टर से इलाज कराने गया। तो वहाँ पर भी उसे किसी भी तरीके से मतलब कि ठीक नहीं हुआ, तो बड़े डॉक्टर के पास गया। तो वहाँ पे चेकअप के बाद पता चलता है कि उसकी अतरी में क्या आ गया है, कैंसर की बीमारी आ गई है। उसके बाद वो डॉक्टर क्या करता है, उस कैंसर का इलाज करता है, और उस कैंसर के इलाज में उस परिवार का पूरा घरवार बिक जाता है, बहुत ही पैसा लगता है उसके इलाज में, फिर वो बंदा नहीं बचता है, उसकी क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है कि इसकी डेड बॉडी को हम रखना चाहते हैं, इसे रिसर्च के लिए भेजेंगे। तो फिर उसके परिवार आपस में सहमति होते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद उसका परिवार बोलता है कि ठीक है, आप इस डेड बॉडी को रख लीजिए आप और इसकी रिसर्च कीजिए, रिसर्च के बाद हमें दे दीजिए। तो क्या होता है कि उस डेड बॉडी को अमेरिका भेजा जाता है। तो अमेरिका में रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि प्लास्टिक के जो केमिकल्स होते हैं उसके वजह से उसे क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। तो अब उसे ये कैंसर क्यों हुआ, इस बात को जानने के लिए उसके फैमिली से बातचीत की जाती है। तो फैमिली वालों ने बताया कि उसका ऑफिस जहाँ भी था वो क्या करते थे, दिन में 4 या 5 बार चाय पीते थे, और वो चाय क्या करते थे, प्लास्टिक के थैली में मंगवाते थे, और उसे क्या करते थे, एक प्लास्टिक के कप में लेकर के पीते थे। यानी वो प्लास्टिक के कप में एक दिन में लगभग 5 या 6 बार क्या करता था, कप में चाय पीता था। वो ऐसा लगभग 4 या 5 साल से कर रहा था। तो इसी वजह से क्या हुआ, उसके केमिकल्स की वजह से उसे क्या हो गया, कैंसर हो गया। फिर वहाँ पे जो भी अदर लोग काम करते थे उस ऑफिस में, उसका भी चेकअप किया गया, उन सबों का भी कैंसर का लक्षण निकला। यानी कि प्लास्टिक में जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से उसे क्या हो गया, कैंसर हो गया। और ऐसा होने से देखो उसकी पूरी घरवार बिक गया, पूरा संपत्ति बिक गया, फिर भी वो बंदा नहीं बचा। तो ये हमारे लिए एक अलग वीडियो है। जरा आप सोचिए, प्लास्टिक का यूज आप न करेंगे, इसके लिए सरकार क्या करती है, टीवी चैनलों पे ऐड चलाती है जिसमें करोड़ों का खर्च आता है। जरा आप सोचिए, सरकार यहाँ पे आपको प्लास्टिक का यूज न करने के लिए काफी सारा ऐड चलाती है टीवी पे, इसमें लगभग सरकार का करोड़ों में खर्च आ जाता है, फिर भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, और इस प्लास्टिक के यूज से हमें ही नुकसान होता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपको कैंसर होता है तो उससे पहले आपको कौन से लक्षण आपके शरीर में आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।